प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की और आपके रियल नंबर 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट आपको कंप्लीट करा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपको फिर देते रहेंगे, ज़रा ध्यान दें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। हम बार बार आपसे समझा रहे हैं, पिछली वीडियो में भी कह चुका है और अब भी समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान दें। जो क्वेश्चन आपके सामने है ये आपके बहुपद चैप्टर से है, जो आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है या संबंधित है, ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस चार के शून्यंक का गुणनफल, सॉरी योगफल, ये आपका योगफल है तथा गुणनफल, ये आपका गुणनफल है, ज्ञात करो। ज़रा ध्यान दें, यह आपका योगफल, यह आपका गुणनफल है। अब देखिए आप अपने आंसर या सोल्यूशन में, शून्यंक का योगफल फार्मूला क्या होता है आपका? माइनस का बी बटे ए। शून्यंक का गुणनफल फार्मूला क्या होता है? सी बटे ए। कहाँ से निकलता है? जरा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समीकरण एक। जब आप इसकी तुलना आप जब इससे करेंगे तो इसकी इससे करेंगे एक्स 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 स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बराबर क्या मिलेगा आपको? वन मिलेगा। जब इसकी आप इससे करेंगे तो आपको बी बराबर नौ मिलेगा, जब इसकी आप इससे करेंगे तो आपको सी बराबर नौ मिलेगा। ज़रा ध्यान दें, हम दोबारा आपसे कह रहे हैं, आप जब इसकी इससे करेंगे तो ए बराबर वन मिलेगा, इसकी आप इससे करेंगे तो बी बराबर नौ मिलेगा, इसकी आप इससे करेंगे तो आपको सी बराबर चार मिलेगा, सी बराबर आपको चार मिलेगा। अब देखिए शून्यंक का योगफल तो आपका क्या होता है? माइनस का बी बटे ए। बी का मान क्या आया आपका? नौ। ए का मान क्या है आपका? वन। तो जब नौ बटे एक जो माइनस में है, नौ बटे एक आप भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का नौ मिल जाएगा। फिर देखिए आप शून्यंक का गुणनफल तो सी बटे ए, सी का मान क्या है आपका? चार। ए का मान क्या है? वन। दोनों को डिवाइड या भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चार मिल जाएगा। आप बार बार वीडियो देखते रहें, वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।